feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because. Hello guys, welcome back to Team Car Delight. तो जैसा कि आप सब जानते हैं एंड आपने हमारी वेबसाइट पे भी रीड करा होगा कि हुंडई वर्ना को एक बहुत ही बढ़िया अपडेट मिला है। तो यहाँ पे एक न्यू मेरीना ब्लू कलर लॉन्च हुआ है, एक आपको मिलता है ऑल न्यू 1.4 लीटर डीजल इंजन जो कि कैरी फॉरवर्ड है रीट i20 एंड हुंडई क्रेटा से। ऑल्सो एनिवर्सरी एडिशन भी लॉन्च हुआ है विद ऑल ब्लैक इंटीरियर्स एंड कुछ फीचर भी ऐड हुए हैं जैसे कि वायरलेस चार्जिंग। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे अपडेटेड हुंडई वर्ना का बेस मॉडल यानी ई वेरियंट का कम्प्लीट डिटेल रिव्यू। तो हुंडई वर्ना अवेलेबल है ई, ईएक्स, एसएक्स एंड एसएक्स ऑप्शनल मॉडल में। अभी आप देख रहे हैं इसके ई वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल की फ्रंट लुक। हुंडई अपनी वर्ना पे ऑफर करती है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, प्लस आपको मिलती है 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस। ऑल्सो मल्टीपल अवार्ड विनर रह चुकी ये सेडान की जो पर मंथ इंडिया में सेल है दैट इज 4000 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड अपफ्रंट यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स, बट हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन यानी कि फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, बट नॉट अ प्रॉब्लम, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन डबल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी अवेलेबल है, वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये है बहुत ही स्टर्निंग हुंडई सिग्नेचर कैस्केड डिजाइन ग्रिल विद क्रोम बॉर्डर्स। वरना में यहाँ पे आपको मिलती है फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रियर में ऑफर करी जा रही है ड्रम ब्रेक्स। ऑल्सो सस्पेंशन आपको मिलेगा फ्रंट में मैक पियर्सन स्ट्रट, रियर में दिया गया है कपल टॉर्जन बीम एक्सल। ऑल्सो आपको यहाँ पे गैस टाइप शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं फॉर स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। इसी के साथ ऐसे कुछ आपको यहाँ पे स्टील व्हील मिलता है व्हील कवर्स के साथ 15 इंचेस के, आप यहाँ पे देख सकते हैं 185/65 सेक्शन टायर्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं डुअल टोन कलर के ORVMs, साथ में टर्न इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है। एंड बॉडी कलर में यहाँ पे आपको बी पिलर मिलेगा, साथ में डोर हैंड्स भी बॉडी कलर में दिए गए हैं। ऑल्सो रूफ पे आपको मिलता है माइक्रो पोल एंटीना। एंड गाइज अपडेटेड हुंडई वर्ना में आपको मिलती हैं टोटल 7 बहुत ही बढ़िया कलर ऑप्शंस जो है फैंटम ब्लैक, टाइफून सिल्वर, फेरी रेड, स्टार डस्ट, पोलर वाइट, सीनिया ब्राउन एंड मेरीना ब्लू कलर। और अभी आप देख रहे हैं हुंडई वर्ना बेस मॉडल की रियर लुक, वो भी बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर में। कन्वेंशनली यहाँ पे आपको नॉर्मल टेल लैंप्स मिलते हैं, एलईडी टेल लैंप्स अपर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। डुअल टोन रियर में बहुत ही स्पोर्टी आपको बम्पर भी मिल जाता है। ऑल्सो गाड़ी की जो अदर डायमेंशन है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस। एंड अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे ड्राइवर साइड सीट के पास लेवर दिया गया है, इसको हम अगर पुल करेंगे तो टेल गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड अब इसको लिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही यूजेबल आपको कार्गो एरिया मिलता है, टोटल 480 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। इवन एक लगेज लैम्प भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हजार ट्रायंगल, प्लस आपको यहाँ पे दी गई एक फर्स्ट एड किट। इसी के साथ इसको अगर हम पुल करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें स्पेयर व्हील अलॉन्ग विद टूल किट। एंड येस यहाँ पे आपको मिलता है फुल साइज का स्पेयर व्हील। एंड अब बूट को क्लोज कर देते हैं। एंड अगर बात करें कर्व वेट की तो वो है 1140 से लेके 1250 kg, डिपेंड आप कौन सा वेरिएंट परचेज करते हैं। ऑल्सो हुंडई वर्ना बिल्ट अप है बहुत ही स्ट्रांग एंड रिजिड सुपर बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर यूज करा गया है 50% AHSS यानी एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील। इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है 165 mm, टर्निंग रेडियस दिया गया है 5.2 मीटर्स का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल है 45 लीटर्स की। सो गाइस हुंडई वर्ना है एक सी सेगमेंट की सेडान जो कि मार्केट में कॉम्पीट करती है टोयोटा यारिस, VW वेंटो, स्कोडा रैपिड, होंडा सिटी एंड मारुति सुजुकी CIS के साथ। एंड अगर बात करें वरना की बेस मॉडल की सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पर अवेलेबल है डुअल फ्रंट एयरबैग्स,
फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर्स, ABS विद EBD, नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग, क्लच लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, ड्यूअल हॉर्न एंड चाइल्ड ISO फिक्स माउंट्स। एंड अब बोनेट को ओपन करते हैं, तो यहाँ से बोनेट ओपन हो जाएगा। तो अपडेट ही ढूंढे, वरना में आते हैं टोटल 4 इंजन ऑप्शन। फर्स्ट है 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, ये अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसकी माइलेज है 17.7 KMPL फॉर मैनुअल एंड 15.92 KMPL फॉर ऑटोमेटिक। दूसरा है 1.6 लीटर डीजल इंजन, ये भी अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, जिसकी माइलेज है 24.75 KMPL फॉर मैनुअल एंड 21.02 KMPL फॉर ऑटोमेटिक। थर्ड आता है यहाँ पे 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एंड इसकी माइलेज है 19.1 KMPL। और फोर्थ एंड लास्ट है 1.4 लीटर डीजल इंजन, जो कि कैरी फॉरवर्ड है एलीट i20 एंड Hyundai क्रेटा से, एंड ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। बट दोस्तों, जो ये वर्ना का बेस मॉडल है ई एंड जो उसके बाद सेकेंड मॉडल आता है EX, ये दोनों ही मॉडल आपको मिलते हैं 1.4 लीटर पेट्रोल में और 1.4 लीटर डीजल में। यहाँ पे 1.6 लीटर पेट्रोल एंड डीजल अवेलेबल नहीं रहेगा। एंड अब चलते हैं इस मॉडल के इंटीरियर्स में, चेक करते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ऑन रोड प्राइस। एंड दीज आर द कीज ऑफ बेस वेरियंट, दोनों ही आपको स्टैंडर्ड की मिलेगी, रिमोट की इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। एंड अब गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो ये है बहुत ही अप मार्केट फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, डुअल टोन कलर का इंटीरियर थीम मिलेगा, सेम मैचिंग आपको डैशबोर्ड मिलता है एंड डोर भी मिलेगा डुअल टोन कलर के साथ। और यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है मेटल फिनिश में। इसी के साथ ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ। सो यहाँ पे हमें वन टच डाउन मिलता है, लेकिन वन टच अप नहीं दिया गया। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे, फोल्डेबल अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं स्पीकर्स, बिग साइज बॉटल होल्डर अलॉन्ग विद मैप पॉकेट, एंड यहाँ पे ट्विटर इस मॉडल में नहीं मिलेंगे। और अगेन ये है बहुत ही प्रीमियम फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, कुछ ऐसी यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉजिटरी मिलती है। ये है फ्रंट 2 सीट्स की लुक एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, सुपर कम्फर्टेबल फ्रंट सीट्स दी गई हैं, साथ में कुछ ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा, 2 टोन इंटीरियर थीम, बहुत ही बढ़िया पैटर्न अवेलेबल है। ड्राइवर साइड सीट की हाइट हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे फ्यूल लिड एंड दिया गया है बूट लिड, और क्लच फुटरेस्ट यहाँ पे मिलता है हमें। एंड इसी के साथ यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हैं, और ये है फ्यूज बॉक्स एंड ये है हेडलाइट हाइट लेवलर। प्लस ओवरऑल हमें ब्लू कलर की कैबिन एल्यूमिनेशन मिलती है, यानी कि ब्लू कलर की बैकलाइट। ऑल्सो गाइज, फुली मॉडिफाइड वर्ना की वीडियो भी बहुत ही जल्दी चैनल पे पोस्ट होने वाली है, सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। एंड अब यहाँ पे बंद कर लेते हैं डोर को। एंड ये है Hyundai का स्वच्छ कैन। इसी के साथ आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट साइज के कप होल्डर्स मिलते हैं, और ये है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे मेटल फिनिश अवेलेबल है। इसके ठीक आगे आपको मिलेगा कुछ स्टोरेज एरिया, एंड ये है एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और ये है मैनुअल AC विद हीटर। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो मिलेंगे एल्यूमिनेटेड। स्टेयरिंग कंट्रोल्स इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलता, बट आप दोनों ही इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन वीडियो में। एंड ये है ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा कार्ड होल्डर, एंड दिया गया है कूल ग्लव बॉक्स विच इज़ अ प्रिटी गुड टच फॉर अ बेस वेरियंट। और ये है को ड्राइवर साइड सीट, एंड पैसेंजर साइड सनशेड पे यहाँ पे दिया गया है वैनिटी मिरर, एंड कुछ ऐसे आप सनशेड को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये है ग्रैब हैंडल विद स्लो रिलीज, सेंटर में यहाँ पे 2 कैबिन लैंप मिलते हैं विदाउट सनग्लास होल्डर। एंड जैसे ही हम गाड़ी के डोर को ओपन करते हैं और अब क्लोज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, यहाँ पे थिएटर डिमिंग फंक्शन अवेलेबल नहीं है। और ये है डे एंड नाइट IRVM। इसी के साथ ड्राइवर साइड सनशेड पे आपको मिलेगा टिकट होल्डर। और गाइज, ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, यहाँ पे आपको मिलता है टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील कॉलम, बहुत ही प्लश यहाँ पे मेटल फिनिश दी गई है, एंड ये कंट्रोल्स दिए गए हैं MID के लिए।
राइट साइड आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड दिए गए हैं वाइपर के कंट्रोल्स। वेरी स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल है सुपर इन्फॉर्मेटिव MID स्क्रीन के साथ, जो कि शो करती है डुअल ट्रिप मीटर, लाइव स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन। एंड अब चलते हैं गाइस गाड़ी की रियर सीट्स पर। ऑल्सो इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और ये है ब्लैक एंड बेज डुअल टोन रियर डोर की लुक। ऑल फोर डोर्स में स्पीकर्स की स्पेस मिलती है, साथ में बॉटल होल्डर्स दी गई हैं, मैप पॉकेट मिलेगी एंड पावर विंडो कंट्रोल्स भी अवेलेबल हैं। एंड गाइस ये है रियर सीट्स की लुक। नॉन एडजस्टेबल यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलेगी एंड सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी दी गई है। और यहाँ पे मिलते हैं दो कप होल्डर्स। ऑल्सो वरना की रियर सीट्स में इन एंड आउट काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू अदर सी सेगमेंट सेडान्स। ऑल्सो यहाँ पे सेंटर में आपको एक बॉटल होल्डर मिलेगा, कुछ स्टोरेज स्पेस भी मिलेगा, बट सैडली रियर एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पॉकेट, साथ में यहाँ पे मिलेगा एक ग्रैब हैंडल, सेंटर में मिलेगा एक कैबिन लैम्प एंड गाइस राइट साइड अवेलेबल है एक और ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विथ कोट हुक। एंड ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। तो दोस्तों आपको किसी भी गाड़ी का, किसी भी पर्टिकुलर मॉडल का भी ऐसा ही डिटेल रिव्यू चाहिए ऑन रोड प्राइस के साथ, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन को भी अभी के अभी प्रेस कर दें। तो कैसा लगा वरना का आपको ये बेस ई मॉडल, मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। We are reaching for the stars.